आती है वो सीएम से रिलेटेड है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। अब राज्यपाल से राजभवन मिलने क्यों पहुंचे हैं, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र को लेकर हो सकता है सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने पहुँचे। राजनीति की बाजार गर्म हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार एक और राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासी पारा भी गर्मा गया है कि आखिर मिलने का कारण क्या। लेकिन मिलने का कारण बताया जा रहा है कि मानसून सत्र को लेकर सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से राजभवन मुलाकात करने गए। अब देखना ये होगा कि मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जो पहली तस्वीरें निकल कर सामने आई है मुलाकात का, उसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए इस खबर में वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार आज अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलके से मिल किस संबंध में बातचीत करने राजभवन पहुंचे हैं, यह जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से मानसून सत्र होने वाला, इसके लिहाजे यह मुलाकात की गई है। दरअसल बिहार में 10 जुलाई को मानसून सत्र होने वाली है। यह मानसून सत्र 5 दिनों तक चलने वाला है। इस दौरान पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले महागठबंधन से जीताराम मांझी अलग हुए। इसके बाद नीतीश आज राजभवन पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश और गवर्नर के बीच लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। वहीं इस मुलाकात को कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, इस लिहाजे वह राजभवन पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश राजभवन के राजेंद्र मंडप में हो रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया है। राजभवन में निर्माण कार्य का जिम्मा राज्य सरकार के हिस्से में होता है, इस लिहाजे सीएम नीतीश कुमार खुद इसका जायजा लेने पहुंचे। मालूम हो कि राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आए अतिथियों को बैठने में दिक्कत होती थी। अब इसी समस्या को दूर करने को लेकर सीएम नीतीश और गवर्नर के बीच बातचीत हुई है। इधर इस बात की भी चर्चा तेज हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। ऐसे में अब एक बार जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विदेश गए हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचना कहीं दूसरा संकेत तो नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।